नमस्कार, मैं हूं वंदा शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। भारत जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री दोनों को संभालने के लिए अपने कामकाज में बदलाव कर ई कॉमर्स तंत्र का हिस्सा बनने वाले किराना स्टोर को प्रोत्साहित कर सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही ई कॉमर्स नीति में छोटे स्टोर्स के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज एक जरूरी हिस्सा हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनाने के इच्छुक किराना स्टोर वालों को प्रोत्साहन की पेशकश करेंगे ताकि बदलाव तेजी से हो सके। साथ ही प्रोत्साहन अनुदान के रूप में या आवश्यक ऋणों पर ब्याज उपनिवेशों के रूप में हो सकता है। फेसबुक, वॉलमार्ट और अमेजोन समेत कई प्रौद्योगिकी कंपनियों और ई कॉमर्स संस्थाओं ने आवश्यक तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है, जिससे किराना स्टोरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करने में मदद मिलेगी। व्यापार निकायों ने इस स्विच ओवर के लिए विभिन्न शुरुआत पहले भी शुरू की है, जिसमें ऑनलाइन बिक्री को संभालने के लिए छोटे स्टोर मालिकों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस नीति में मौजूदा ई कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए अपने तरीके से स्थानीय दुकानों में शामिल होने और उनकी बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी संभावना है। वास्तव में ई कॉमर्स कंपनियों से कहा जाएगा कि वे अपने मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं की पूरी जानकारी रखें ताकि खरीदार सही निर्णय ले सके और यहां तक कि तेज डिलीवरी और बेहतर सेवा के लिए आसपास की दुकानों के उत्पाद भी वो प्लेटफॉर्म पर ही देखें। हितधारक टिप्पणियों के लिए पिछले साल उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रचार विभाग द्वारा ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी मंगाई गई थी। इस महीने में इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने और बाद में घोषित किए जाने की उम्मीद है। नीति का उद्देश्य निर्यात के साथ साथ देश में ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र, बढ़ती नौकरियों और ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देना है। नीति में दंडात्मक शक्तियों के साथ एक ई कॉमर्स नियामक को रखने की भी उम्मीद है। नियामक झूठी सूचनाओं को फैलाने वाली कंपनियों की जांच करेगा और दंडित करेगा या निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहेगा। इसके पास कंपनियों के लाइसेंस को निलंबित करने या प्रतिस्पर्धा विरोधी उपाय करने के लिए प्रतिस्पर्धा नियामक को ले जाने की शक्ति भी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।